तो फाइनली पांचवा शो समाप्त हो गया है जवान का। और जो विक्रम राठौड़ साहब है ना, इनके वजह से बार बार सिनेमाघर पब्लिक आ रही है। मैं आप सभी से यही कहूंगा, विक्रम राठौड़ का जो किरदार है ना, ये बार बार सिनेमाघर आपको आने के लिए मजबूर करेगा। शाहरुख खान ने बकायदा आग लगा दी है। मैंने कहा था कि पठान मैंने 3 बार देखी थी और चौथी बार देखने का मन नहीं किया है, लेकिन ये फिल्म 5 बार देखने के बाद ऐसा लगता है कि एक दो बार तीन बार इसे हम और देख सकते हैं। आज मंडे है, आज वर्किंग डे था, इसके बावजूद दोस्तों पब्लिक बहुत है। आप देखें पब्लिक बहुत है और इवनिंग शो इसके नाइट शो बहुत ज़बरदस्त जाने वाले हैं, बहुत ज़बरदस्त जाने वाले हैं। और ये फिल्म वीकेंड तक सारे रिकॉर्ड को तोड़ चुकी है। 5 दिन का जो चार दिन का जो वीकेंड था, ये सारे रिकॉर्ड को तोड़ चुकी है 4 दिन के इस वीकेंड में। और अभी ये मंडे टेस्ट में फिल्म पास हो चुकी है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये आज भी बिजनेस करेगी। क्या बिजनेस होगा दोस्तों, इसको लेके हम बहुत जल्द बात करेंगे। लेकिन पब्लिक इस फिल्म को इतना पसंद करेगी दोस्तों, रिलीज से पहले ये किसी को नहीं पता था, लेकिन पब्लिक इस फिल्म को बहुत ज़्यादा पसंद कर रही है। विक्रम राठौड़ का जो किरदार है, सभी को फिल्म पसंद आ रहा है। और ये फिल्म अगर मंडे टेस्ट में पास हो जाती है, मुझे लगता है हो गई है, क्योंकि मंडे को पब्लिक अगर इतना फिल्म आके देख रही है, इसके नाइट शो हाउसफुल हैं। मैंने एग्जिबिटर से बात की, वो कह रही कि आज के दिन भर के जितने भी शो थे ना, टोटल यहाँ पे 5 शो रखे गए थे और 5ों शो दोस्तों हाउसफुल है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि मंडे को हाउसफुल है, ना कोई नेशनल हॉलीडे है, ना ईद है, ना दिवाली है, इसके बावजूद दोस्तों पब्लिक को फिल्म कितनी पसंद आ रही है। और ये पब्लिक जितनी भी अंदर देख रही है ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दोबारा देख रहे हैं, तिबारा देख रहे हैं, यानी रिपीट ऑडियंस बहुत ज़्यादा मिल रही है। और अगर रिपीट में ऑडियंस ज़्यादा मिलती है तो फिर समझ जाए कि पिक्चर हिट है, पिक्चर सुपर हिट है दोस्तों। और अभी जो रात का जो शो है ना, वो हाउसफुल है। जो मैं शो देख रहा था वो भी हाउसफुल था। और देखते हैं कि ट्यूसडे को क्या होता है। ट्यूसडे की बुकिंग मैंने चेक की तो वहाँ भी मतलब 80% टिकट इसके बिक चुके हैं। तो ये फिल्म अब रुकने वाली नहीं है दोस्तों, पब्लिक पागल हो चुकी है। और शाहरुख खान को हिंदी सिनेमा का, इंडियन सिनेमा का गॉड मान लिया है पब्लिक ने। जैसे सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान माना जाता है, वैसे ही जो सिनेमा है ना, सिनेमा जगत में शाहरुख खान को भगवान का दर्जा दिया गया है, मसीहा का दर्जा दिया गया है। और एटली ने वैसे ही प्रेजेंट भी किया है। तो आप कमेंट करके बताएं कि आपने कितनी बार जवान देखी है। मैं तो 5 बार देख चुका हूं और आई थिंक छठा बार भी देखूंगा। आप बताएं आपने कितनी दफ़ा देखा है, और कमेंट करें और देखते रहें FF News। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर।